हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जिन्हें मेकअप करना नहीं आता उनके लिए मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कोई भी हाइलाइटर, कोई भी ब्लश है, कोई भी फाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पर मैंने ब्रश का भी यूज़ नहीं किया, जस्ट एक जगह मैंने किया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूँ अपने फेस पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो 10 रुपये वाली फ्रूट क्रीम आती है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये देखिए एलोवेरा जेल, जो मेरा फिनिश होने वाला, थोड़ा सा लेकर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। इसकी खुशबू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जब भी आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करते हो ठंडक भी देता, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, प्राइमर का काम भी करता है। तो इसको इस तरीके से लगाकर 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 95 cc क्रीम, ये हर किसी के पास इजीली मिल जाती है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फेयर एंड लवली भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे सीरम नहीं मिलाऊंगी, क्यों, क्योंकि सीरम हर किसी के पास नहीं होता, जिसके पास है वो मिला सकता है। फिर मैंने यहाँ पर मिलाया मॉइस्चराइज़र, अगर आपके पास 10 रुपये वाली फ्रूट क्रीम है तो आप वो मिला सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। इसकी एक ही चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है कि काफ़ी केकीपन देता है और मतलब ड्राई पेजेस आ जाते हैं जब भी आप इसको ऐसे लगाते हो, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। तो इसमें आप मॉइस्चराइज़र, सीरम या 10 रुपये वाली फ्रूट क्रीम, इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर अप्लाई करोगे ना तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाती है और आपकी स्किन में सेट भी हो जाती है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो थोड़ी देर में ड्राई पेजेस आ जाएंगे, ब्लैक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेट करूंगी हिमालय के बेबी पाउडर से, थोड़ा सा लेके फिंगर के हेल्प से हल्का हल्का सा अप्लाई करूंगी। इस तरीके से जहां ज़्यादा लग जाता है छोड़ दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद आपको निकालना, बट अभी लगाइए। हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट नहीं लिया क्योंकि हर किसी के पास कॉम्पैक्ट नहीं होता, कोई पॉन्स, कोई भी पाउडर यूज़ करता है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लगा कर इसके बाद थोड़ी देर के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया विल्टन वाइट का आई पैलेट, इसमें से ब्राउन शेड लूँगी, हल्का सा ब्लेंड आउट करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है इसकी तो बहुत ही अच्छा, इसलिए मैंने ये वाला आई शेडो पैलेट आपके लिए रखा था कि जो आपका आई बेस है वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आए। इसके बाद मैं ले रही हूँ एनवाइवे की लिपस्टिक, मेरा शेड है पिंक शेड है। इसको जैसे आप आउटलाइनिंग करते हैं, ड्रॉ में करते हो, कोई भी ड्रॉ बनाते हो ना उसमें आउटलाइनिंग करते हो, उस तरीके से आपको अप्लाई करना है और हल्का सा ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट करना है। मैसी होता होने दीजिए, क्योंकि आपको पूरे आईलेट पर नहीं जाना, बस वहीं तक रखना है, तो ज़्यादा मैसी नहीं होगा। मैं बताऊंगी क्यों, अगर मैसी हो जाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से ब्राउन शेड लेना, हल्का सा उसी के ऊपर सेट कर लेना, इससे क्या होगा ना जो आपका मैसी हुआ वो अच्छे से सेट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा ही मेकअप दिखेगा। यहाँ पर मैंने लिया एनवाइबे का ग्रीन लाइनर, काफ़ी अच्छा है। अगर आप विगनर हो तो इस तरीके से लाइनर लगाओगे ना, ये वाला आई मेकअप करोगे ना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप विगनर हो। अगर विगनर हो, वीक लाइनर ड्रॉ करना है तो इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तिरछी लाइन बनानी है और जिस तरीके से सेम मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से करना है। आप इजली कर लोगे, एक दो बार में आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया लैक्मे का काजल, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको लगाने के बाद फिर से ब्राउन शेड लूँगी, हल्का सूसी के नीचे ब्लेंड आउट करूँगी। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। एक बार ये आई मेकअप करोगे ना, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप विगनर हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। यहाँ पर आपको कोई भी आईब्रो पेंसिल लेनी है और अपने आईब्रो को फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर ली एक आईब्रो पेंसिल जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, उसी से मैंने अपनी आईब्रो को फिल करना है। ADS का लिप लाइनर सभी के पास होता है, इजली मिल जाता है, उसी से मैं अपनी लिप्स पर लाइनर ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया बुलेट लिपस्टिक NYB की है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक सभी के पास नहीं होती इस वजह से। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।